हे गाइस, अभी बज रहे हैं 7:30 शाम के और आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। मतलब आज बनने वाली है आलू टिक्की और वो भी इनके हाथों से बनी हुई। और हाँ, यहाँ पर मैंने फोल्ड करने के लिए कपड़े लाए हैं ऊपर से। जो कपड़े मैंने कल सुखाने के लिए डाले थे वो कल ना लाए ही नहीं मैंने, और एक्चुअली मैं भूल गई थी कल लाना। तो जो गैलरी में नहीं रखे थे वो कल लाना भूल गई थी, तो इन्होंने ना पहले ही बारिश हो रही थी तो मुझे याद ही नहीं रहा कि बारिश हो रही है या कुछ मुझे कपड़े वगैरह लाने हैं। तो इन्होंने ना कपड़े लाके वो वहाँ पर भी रख दिए थे रूम में जाके, ये वाला स्टैंड रूम में रख दिया था। तो जब मुझे याद आया व्लॉग एंड करने के बाद कि यार मैंने कपड़े ही नहीं रखे हैं और बारिश हो रही थी, जब मैंने आपको बताया ना कि व्लॉग एंड करने के टाइम पर बारिश हो रही है, जैसे मैंने व्लॉग एंड किया उसी टाइम मुझे याद आया कि यार कपड़े मैंने वहाँ पर ही रखे, तो वैसे ही मैं तुरंत भाग के गई दौड़ के, तो इन्होंने पहले ही रख दिए थे। तो अच्छा हुआ कपड़े भीगे नहीं, तो वैसे वैसे ही। और फिर उसके बाद तो मैंने रात को लाए ही नहीं कपड़े नीचे, तो ये अभी लाए हैं और अभी इसे फोल्ड करना है, तो वो मैं बाद में करूँगी। तो अभी चलती हूँ किचन में क्योंकि आज बनानी है आलू टिक्की। और ना आजकल कुछ ना कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, मतलब क्यों पता नहीं। बाहर का सब जब ओपन रहता है तो इतना खाने का मन नहीं करता है, बट अभी जब बंद है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ खाने जाए बाहर। तो इसी वजह से हो रहा है कि ये घर पे अलग सा बनाया जाए, तो आज हमने सोचा है कि आलू टिक्की बनाए। ऐसे ही ना डेली डेली मतलब अलग अलग सोच रहे हैं कि ये बनाए वो बनाए वो बनाए, तो पता नहीं इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वेट गेन होने वाला है लॉकडाउन में। और अभी चलते हैं किचन में। और ये बोल रहे थे कि मैं बनाता हूँ आलू टिक्की, तो ये आलू टिक्की बनाएंगे और मुझे ना सिंपल सा डिनर बनाना है। तो डिनर में आज बनने वाला है मसूर की दाल बनने वाली है, तो डिनर में बनाऊँगी और ये बनाएंगे आलू टिक्की। तो अभी साथ में ही बनाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं पहले कुछ ना कुछ जैसे स्नैक्स में बना देती हूँ उसके बाद फिर मैं डिनर बनाती, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसीलिए अभी साथ में ही बनाएंगे और ये इनका काम करते रहेंगे। इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी पक्का। तो अभी चलते हैं किचन में और जाके देखती हूँ कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो कपड़े है फोल्ड करने के लिए रखे तो वो मैं बाद में फोल्ड कर लूँगी अब, और अभी चलते हैं किचन में। तो अभी ये तो इनकी रेसिपी की तैयारी करेंगे, बट मैं अभी अपने रेसिपी की तैयारी करने वाली हूँ। एक्चुअली इन्होंने कुछ बना के भी रखा है, आलू आलू बॉईल करके रखे हैं, तो वो बाद में दिखा देंगे, बट मैं अपनी मसूर की दाल वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ और हाँ राइस भी बनाने हैं। तो चलिए फिर काम में लग जाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। तो गाइस, मैंने दाल तो बना ली है और बहुत जल्दी बन जाती है ये वाली दाल। मतलब ऐसा है कि जब टाइम नहीं होता है ना मेरे पास, बिल्कुल टाइम नहीं होता है और मुझे कुछ सब्जी बनानी होती है, तो मैं ये दाल ही बना देती हूँ। तो आ जाइए आप, आज आपका काम है। आज मुझे रेस्ट देने वाले हैं और ये बनाने वाले आलू टिक्की। तो यहाँ पर आलू टिक्की का जो है पूरा बना के रख दिया है, तो ये अभी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे और आज आप इनकी रेसिपी देख लेना। आप ही बताना क्या क्या है। हाँ हाँ, नहीं मैं बताती हूँ, आप सिर्फ बनाओ, मैं उसमें बैकग्राउंड भेज दे दूंगी। ठीक है चलेगा। ठीक है, मैं हेल्प करूंगी आपके, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, ये दाल यहाँ पर पक रही है, तो दाल जब तक ये रेडी करेंगे उसकी तैयारी करेंगे, मतलब वो टिक्की की, तब तक ये दाल बन जाएंगी मेरी, दाल साइड में रख देंगे और उसके बाद टिक्की हम लोग फ्राई करेंगे। तो पहले टिक्की में क्या क्या डलता है वो आपको बता देती हूँ मैं। सबसे पहले टिक्की बनाने के लिए इन्होंने लिए थे 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, और उसके बाद उसमें 1 कटोरी चावल का आटा डाल दिया है, उसके बाद डाल दिया है इन्होंने चिली फ्लेक्स,
और ग्रीन चिली इन्होंने काट के रखा था, उसके बाद वो जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिंट लीव्स है मतलब पुदीने का पत्ता, और उसके बाद वो है काला नमक। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे मतलब, ताकि ये गुदा अच्छे से बन जाए, मतलब ये जो लोई हमें बनानी होगी इसके छोटे छोटे, तो वो अच्छे से बनने लगे। तो इसके बाद और सादा नमक भी उसमें ऐड करना है हमें थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमें उसका लोई, उसके छोटी छोटी लोई बनानी है। तो अभी इसको मिक्स कर लेंगे ये, और अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम देना है आपको। मिक्स करने से ही आपकी जो टिक्की है वो बहुत अच्छी बनेगी। अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ही आपको टिक्की बनानी है, अदरवाइज़ ये आपकी टिक्की अच्छी नहीं बनेगी और वो टूटने लगेगी। तो इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, और उसका लोई बहुत ही अच्छी बनानी है आपको उसकी। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मिक्स कर रही है और अच्छे से लोई बन जाएगी इसकी। उसके बाद हम लोग उसमें छोटी छोटी लोइयाँ बना के उसकी टिक्की बनाएंगे। क्या कर रहे हो आप? डब्लू डब्लू क्या क्या दिखाओ दिखाओ क्या बोल रहा है वो? कई पॉइंट मानते चिकड़ू माको ये क्या है? हाय बोल दो अद्वि। अरे हाय बोल दो। हाय एक्चुअली गाइज, जो पैन मैंने रखा था फ्राई पैन, तो उसमें छोटा पड़ रहा था वो थोड़ा सा, तो इसी वजह से इन्होंने कढ़ाई रख दी और उसमें तेल डाल के ये यहाँ पर डीप फ्राई कर रहा है। इसे ना आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है, तब जाके अंदर तक पकेगी और जो हमने चावल का आटा इसमें डाला है वो अंदर तक पकेगा। तो इसी वजह से जब भी आप टिक्की बनाओ तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाओ, तब जाके ये क्रिस्पी एंड वो बनेगी मतलब अच्छी बनेगी। यहाँ पर रेडी हो गई थी टिक्कियाँ और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसके साथ हमने ग्रीन चटनी बनाई थी, तो ये पुदीने की चटनी है, पुदीना, धनिया पत्ता और थोड़े से उसमें ना दाल भी डाली थी, क्या बोलते हैं उसकी, चने की दाल। तो अच्छी लग रही थी उसके साथ वो चटनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सो गाइज, डिनर वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है, मतलब आलू टिक्की बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोगों ने तो देख ही ली कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। और उसके बाद हम लोगों ने डिनर कर लिया, वो खाने के बाद ना मन भी नहीं कर रहा था डिनर करने का, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा डिनर कर लिया। और हाँ, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, पार्सल आया है मेरा कितने दिनों के बाद। एक्चुअली मैंने ये जो पार्सल है वो ऑर्डर किया था लॉकडाउन से पहले, तो लॉकडाउन के बाद ना पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ मुझे, और उसके बाद अभी ये रिसीव हुआ है। थोड़ा सा वो सर्विस वगैरह उनकी स्टार्ट हो गई है,
तो इसी वजह से ये रिव्यू हुआ है। और हाँ, पहले ही बता देती हूँ आपको, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, नहीं तो आप सोचोगे कि स्पॉन्सर वीडियो है इसी वजह से दिखा रही हूँ। बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अपने पैसों से मैंने परचेस किया है। और एक्चुअली मेरा जो फेस वॉश है वो खत्म हो गया था, इसी वजह से मैंने फेस वॉश ऑर्डर किया था और एक लिपस्टिक भी ऑर्डर की थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या है। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सा फेस वॉश यूज करते हो, तो मैं अभी इसमें जो ऑर्डर किया है वही फेस वॉश यूज करती हूँ। एक्चुअली वो खत्म हो गया था, इसी वजह से मैं अभी क्लीन एंड क्लियर का जो फेस वॉश नहीं आता है वो यूज कर रही थी। तो मैं ना ये यूज करती हूँ, गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छे से डर्ट वगैरह निकल जाती है फेस की, और ज़्यादा ये ट्राई भी नहीं बनाता है आपके फेस को, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और हाँ, अद्विका आया है, और जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ना, तब से मैंने चेंज ही नहीं किया फेस वॉश। हाँ इसे ये रैपिंग वाला चाहिए, बबल रैप। हाँ, और एक लिपस्टिक ये बाद में दे दूंगी बेटा, मैं ये बाद में दे दूंगी, ये लो। और बाद में दो, मैं दिखा देती हूँ पहले, फिर ठीक है। फिर ये लिपस्टिक ऑर्डर की है मैंने, ये है एसक्यू की लिपस्टिक, जो डेली न्यूड वाली लिपस्टिक यूज करती हूँ, पिंक वाली, वो लिपस्टिक है ये, पूरी खत्म हो गई थी। सॉरी, एसक्यू की नहीं है, एम्स्टरडैम की है। तो ये वाली लिपस्टिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और इसका जो शेड नंबर है वो है मरून पैशन नंबर 5। एक्चुअली ये वाला शेड मुझ पर बहुत ज्यादा सूट करता है, आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया था कि ये वाला शेड आप पे बहुत सूट करता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। ये न्यूड शेड है इस तरह से, मैं आपको स्वैच करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से है ये शेड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये शेड, और मेरा पूरा ख़त्म हो गया था। मैं निकाल निकाल के अप्लाई कर रही थी, बट तब से मैंने ये शेड अप्लाई ही नहीं किया। और आपने देखा होगा कि मैं पहले यही शेड अप्लाई करती थी रेगुलर में, बट अभी जब से ख़त्म हो गया ना, तब से मैं वेट कर रही थी इसका, और फाइनली ये आ गया है, तभी ये लिपस्टिक अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी। बस यही दो प्रोडक्ट मेरे खत्म हो गए थे, तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे, तो यही मैं दिखाना चाहती थी आपको। और आज इतने दिनों के बाद मैं ये वाले फेस वॉश से अपना फेस वॉश करूंगी, अपने फेवरेट फेस वॉश से। तो चलिए अभी इसे ओपन कर लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद मुझे फेस वॉश करना है, स्किन केयर करके ही सोती हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ। स्किन केयर रूटीन अगर आप लोगों को देखना है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी ये रख देती हूँ बाथरूम में, और अभी कपड़े भी फोल्ड करने हैं वो भी कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं फोल्ड करने लगी कपड़ों की, तो माही भी आ गई मुझे हेल्प करने के लिए, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी, तो कभी कभी तो वो खुद ही कपड़े कर लेती है पूरे के पूरे। और वैसे बच्चों को आदत डालनी भी चाहिए कुछ ना कुछ काम करने की, तब जाके वो सीखते हैं कुछ ना कुछ अलग अलग उनको सीखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा बच्चों को ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टडी स्टडी स्टडी, तो कुछ ना कुछ ऐसे कामों की आदत भी डाल देनी चाहिए, तो वो तो उनका उसका तो हमेशा का ही है, वो तो कुछ ना कुछ करती रहती है, उसे पसंद है सारी चीज़ें करना। तो ऐसे ही वो फोल्ड कर रही है अपने कपड़े भी, और मेरे कपड़े भी फोल्ड करने लग रही है मुझे। वैसे भी मैंने उसको आदत डाली है कि जो कपड़े खुद के होते हैं उसके, तो वो फोल्ड करने की, क्योंकि बचपन से अगर आदत डालते हैं बच्चों को तो वही आदत लग जाती है, और फिर वो अपना खुद का काम खुद करने लगते हैं, खुद का काम खुद सीखते हैं करना। अब वो खुद का काम खुद करना सीख गई है, तो कहीं पर भी जाएगी ना, तो उसे मुश्किल नहीं होगा कुछ भी। और इस एज में ही बच्चों को ना जो भी सिखाओ वो सीख जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको वही सिखाया। तो चलिए गए, 11:30 बज गए और इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, और अब टाइम आ गया है आपके एनिवर्सरी विश एंड बर्थडे विश और नाम लेने का। और हाँ, मैंने कुछ कमेंट भी पिक किया है, तो उसके मैं आंसर भी करने वाली हूँ आपको। बीच में मैं आंसर नहीं कर पाई इसी वजह से। एक्चुअली किसी ने मुझे एक रिक्वेस्ट की है कि मैं स्कूटी ड्राइव करने का एक ब्लॉग शेयर करूँ, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि डियर, लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से ना मैं बाहर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, मैं मेन गेट के बाहर भी नहीं गई हूँ, तो इसी वजह से मुझे कुछ काम नहीं पड़ रहा है स्कूटी चलाने का। जब भी लॉकडाउन खत्म होगा और मैं स्कूटी चलाऊंगी, उसके बाद मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर करूंगी, तो तब तक आप वेट कीजिए। उन्होंने बोला है कि मैं पांचवी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए सो सॉरी डियर, बट अभी पता नहीं, पहले तो दिमाग से निकल गया होगा और अब डियर, बट जब भी लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद मैं ये ब्लॉग जरूर शेयर करूंगी। तो ये पहली कमेंट थी। और हाँ, किसी ने पूछा है कि जो मेरा टोस्टर है वो कौन सी कंपनी का है, तो डियर मेरा जो टोस्टर है वो बजाज कंपनी का है और बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से चल रहा है मेरा। और किसी ने पूछा था कि जो कल मैंने लिपस्टिक अप्लाई की थी पिंक कलर की, वो कौन सी है, तो वो शुगर की है, बट उसका नेम और नंबर मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि उसमें जो शेड नंबर और शेड नेम होता है ना, वो पूरा मिट गया है, तो इसी वजह से मैं वो तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत पुरानी है वो लिपस्टिक मेरे पास, तो शुगर की है इतना बता सकती हूँ। अब विश करने का टाइम आ गया है एनिवर्सरी एंड बर्थडे,
और हाँ, निधि एंड नीलेश तुपारे की आज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर, और आज के दिन आपको जो चाहे वो मिल जाए और आपकी लाइफ में सारी खुशियां आए। मनीषा शर्मा ने कमेंट की थी कि उनके बेटे आयांश का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयांश, और आपको भी सारी खुशियां मिली आपकी लाइफ में और आप आज के दिन जो चाहो वो मिल जाए आपको। और प्रीति मानकर ने कमेंट की थी कि उनके बेटे विहान का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विहान, और आपको भी सारी खुशियां मिले डियर आपकी लाइफ में और आपको भी जो चाहे वो मिल जाए आज के दिन। आई थिंक एनिवर्सरी एंड बर्थडे विश तो मैंने कर दिए हैं, तो अभी नाम लेने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहला नाम है ज्योति काड़े ने रिक्वेस्ट की थी उनके बेटी का नाम लेने के लिए, तो उनकी बेटी का नाम है अदिति काड़े, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। और नीता बोबड़े ने रिक्वेस्ट की थी उनके बेटे का नाम लेने के लिए, तो उनके बेटे का नाम है शिवांश बोबड़े, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। और आप दोनों भी घर पे रहना, सेफ रहना, हैप्पी रहना। और हाँ, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि जो कल कमेंट आई थी, मतलब जिस पे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोला है, तो वो ना पब्लिसिटी के लिए कर रही थी, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। मतलब जब उन्होंने सेकेंड टाइम कमेंट की, तब मुझे पता चला कि यार सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही है, बाकी कुछ भी नहीं है उनका इंटेंशन। जिनके कमेंट में उन्होंने कमेंट की ना जाके, एक्चुअली वो ना कभी भी ऊपर कमेंट नहीं करती थी, जब भी कमेंट करती थी ना किसी के कमेंट में घुस के कमेंट करती थी। तो जिनके कमेंट पे उन्होंने कमेंट की ना, तो उनको पता है क्या कमेंट की है। उन्होंने मुझे बोला था कि दी आप इनको ब्लॉक कर दो, तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है एक्चुअली। तो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उनको ना सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए थी, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए था। उनको बर्थडे विश करने से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उन्होंने उस पर बोला है मुझे कि आप मेरा सीधे सीधे नाम क्यों नहीं ले रही हो, नाम लो। और वो भी बहुत गंदी लैंग्वेज में कमेंट की थी, इसी वजह से आप जाके कल के ब्लॉग में पढ़ लेना। और उन्होंने ना आगे कमेंट नहीं की थी, किसी के कमेंट पे जाके कमेंट की थी, तो आप जाके पढ़ सकते हो वो कमेंट। मतलब पहले तो मुझे लगा था कि मैंने गलती की है, बट जब उन्होंने कमेंट की ना, उस टाइम मुझे लगा कि यार, मतलब मैंने उनको सॉरी भी बोला, उसके बाद भी उनकी लैंग्वेज सुधरी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे लोग सुधर नहीं सकते हैं, मतलब हम लोग कुछ भी कर ले उनके लिए, बट ऐसे लोग सुधरने वाले नहीं होते हैं, तो वो बिल्कुल सुधरेंगे नहीं। जो लोग अच्छे होते हैं वो अच्छे ही रहते हैं, और जो बुरे होते हैं ना, तो वो कितना भी हम लोग उनके साथ अच्छे रह ले, वो बुरे के बुरे ही रहेंगे, वो कभी सुधरने वाले नहीं है। और आपने देखा होगा कि मेरे ब्लॉग कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, हमेशा मैं पॉजिटिविटी देती रहती हूँ आपको। ये सोचती हूँ कि यार, हम लोग हाउसवाइफ घर पे रहते हैं, आप लोग मुझे देख रहे हो किस लिए, कि आपका स्ट्रेस दूर होने के लिए, आपका टेंशन दूर होने के लिए। आप दिन भर थक जाते हो कामों से और कुछ रिलैक्स होना चाहते हो, तब जाके मुझे देखते हो। जब आराम से आप बैठते हो बेड पर, तब जाके आप अपने मोबाइल को हाथ लगाते होंगे और मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे। तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको पॉजिटिविटी दो, और मुझे ना बिल्कुल नौटंकी करना नहीं आता है। जो नौटंकी करने वाले हैं, तो अगर आपको उनके ब्लॉग पसंद है तो वहाँ पर जा सकते हो आप, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीज़ें। अगर मुझसे कुछ सीख सकते हो आप, तो वो सीखिए। अगर आपको मुझे सिखाना है, तो आप मुझे भी सिखाइए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपके पास कुछ नॉलेज हो तो आप मुझे दिया करो, मेरे पास कुछ नॉलेज है तो मैं आपको दिया करूँगी। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज का भंडार है, बट आपके पास अगर कुछ है, तो जैसे कि आप छोटी छोटी कमेंट करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब कोई टिप्स या ट्रिक्स बताते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि ये करो वो करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मुझे कुछ पता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको कुछ पता है तो आप मुझसे शेयर किया करो। तो बट ये नहीं है कि आप निगेटिविटी फैलाओ यहाँ पे आके। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे कोई निगेटिविटी आए और यहाँ पर कोई आके गंदगी फैलाए। अगर आपसे हो सकता है तो एक लाइक कर दिया करो, हमें लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और उससे हम लोग अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं आपके लिए। तो इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। तो कुछ लोग डिसलाइक भी करके जाते हैं, उसको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लाइक करने वाले बहुत होते हैं। बट और भी आपको बोलती हूँ कि लाइक कर दिया करो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होते हैं। और आपकी एक लाइक से कुछ नहीं जाता है, बट हमें एक लाइक जब मिलता है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम लोग। और हाँ, एक कमेंट मुझे सडनली याद आई कि वो काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट किए जा रही है कि मैं घर के लिए जितना खर्चा लगा है वो बताओ, बट डियर मैं इस ब्लॉग में नहीं बता सकती हूँ आपको, ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं इस ब्लॉग को और खींचना नहीं चाहूँगी। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बता दूंगी कितना खर्चा आया है मेरे घर बनाने के लिए। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं, तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है,
तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाओगे, उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि मैं आगे जो भी वीडियोज अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और उसको आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।